स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले पर गदगद हुए चंद्रशेखर आजाद, भावुक होकर चंद लफ्जों में कह दी बड़ी बात। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को दिया नगीना में समर्थन, तो चंद्रशेखर ने खुला ऐलान कर जो उनके दिल और दिमाग में है उस पर से हटा दिया पर्दा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसे वक्त में चंद्रशेखर का दिया साथ जब उनके साथ वो नहीं जिनके रहे वो खास। नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले से गदगद हैं। चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐलान से भावुक हैं, लेकिन इसी भावुकता में चंद्रशेखर ने स्वामी को बधाई देने के साथ बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया। चंद्रशेखर ने जो बात कही उससे दूर से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो निशाना साध रहे हैं या फिर बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के उस वार पर पलटवार कर रहे हैं जिसमें आकाश ने सपा की ओर से नगीना सीट नहीं मिलने पर चंद्रशेखर की मौज ली थी। लेकिन चंद्रशेखर के इस बयान के एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपना निशाना तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया, क्योंकि चंद्रशेखर को अखिलेश से उम्मीद थी कि वो नगीना सीट पर उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी के साथ छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को एहसास हो गया सपा के बाहर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को प्रोजेक्ट करने के बजाय उन्हें अपनी पार्टी के दलित और पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी वजह से अखिलेश ने नगीना में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब यह बात लगता है चंद्रशेखर आजाद को रास नहीं आई और उसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक सहयोग है जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को छोड़कर एक नई पार्टी आरएसएसपी बनाई, उन्होंने ही सपा का समर्थन ना प्राप्त कर पाने वाले नगीना से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट किया। दरअसल समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 12 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में नगीना क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने की घोषणा की। पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नगीना लोकसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी समर्थन देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, आजाद युवा कर्मठ जुझारू और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित एक क्रांतिकारी नेता हैं, जिन्हें नगीना लोकसभा की जनता के द्वारा अपार समर्थन भी मिल रहा है। अंततः नगीना लोकसभा की सम्मानित जनता से उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जिताने की अपील करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधानसभा के सदस्य, मायावती और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश में मंत्री और विपक्ष के नेता भी रहे। वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकार में श्रम मंत्री रहे। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन देने के ऐलान के बाद चंद्रशेखर ने एक्स पर कहा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य, आपका इस साथ और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विश्वास दिलाता हूँ, हारेगा अभिमान, जीतेगा नगीना की जनता का स्वाभिमान। यहाँ चंद्रशेखर कह रहे हारेगा अभिमान, तो सवाल है किसका अभिमान हारेगा? आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर किस नेता के अभिमान को तोड़ने की बात कह रहे हैं? अपनी राय पेज पर आकर जरूर दें, साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।